निज भार्या आहार धन करो त्रय में तोस, विद्या जप और दान का सदा बढ़ावो कोस। शास्त्रकार कहते हैं कि अपने जीवन साथी के साथ संतुष्ट रहिए, अपने धन में संतुष्ट रहिए, और पराई चीजें, पराया धन, ये सब चीजें बहुत परेशानी देते हैं। नमस्कार, राधे राधे मित्र, मैं आपका आचार्य देव। हमारी चर्चा इस समय अष्टकूट मिलान पे चल रही है। अष्टकूट मिलान जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, खासकर दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए आधार स्तंभ है। यह चार अंकों वाला कूट है, और चार अंक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म, अर्थ, काम, मुक्ति, चार आश्रम है, चार पुरुषार्थ है, तो चार पुरुषार्थों को बताने वाला कूट है, इसलिए अत्यंत आवश्यक है। योनि मिलापक, शास्त्रकार कहते हैं कि दोनों का दाम्पत्य जीवन चले, दोनों एक दूसरे के प्रति बंधे रहे, आकर्षण में रहे, या ऐसा ना हो कि आकर्षण ही खत्म हो जाए, इसलिए अत्यंत आवश्यक है। या मिलापक, शारीरिक गठन, दाम्पत्य प्रेम, भोग विलास की प्रवृत्ति, संतान पे होने वाले प्रभाव को बताता है। आज हमारी जो चर्चा चल रही है, वो चर्चा चल रही है महिष योनि पे। कौन सी योनि पे? महिष योनि। तो महिष योनि में अगर आप पैदा हुए हैं तो क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, किनसे आपकी पटरी मैच करेगी और किनसे पटरी आपकी मैच नहीं करेगी, किनसे संबंध आपके मधुर रहेंगे, किनसे संबंध उदासीन रहेंगे। बहुत लोग देखिए ना, कौन ने बोए हमें कहानी, बहुत लोगों को मैंने देखा है, ठीक है, जिसको जहां मुंह मारना है मारने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, जिसको जो करना है करने दो, इसका मतलब उदासीन है वो लोग। परिस्थिति ऐसी क्रिएट होती है, उदासीन हो जाते हैं रोज रोज के चिक चिक से, तो यह परिस्थिति ना पैदा हो, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रकार कहते हैं ये लोग बुद्धि वाले हो, बुद्धि का प्रयोग कम करते हैं, शक्ति का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं लिखा है कम बुद्धि वाले होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। कम बुद्धि का प्रयोग एक जगह हो सकता है, भोगात्मक में, भोग में बुद्धि को साइड में कर देते हैं। कहां पे? ये जो चीजें कही गई पॉइंट टू पॉइंट समझिए। अगर शास्त्रकारों ने कहा कि महिष योनि वालों की बुद्धि कम होती है, तो बुद्धि कम होती है, लेकिन कहां? पॉइंट ये कहां? भोग में, ऐसा नहीं, और योग में नहीं, जीवन के अन्य चरणों में नहीं, यहां पे कमी होती है। तेज तर्राक है, तेज तर्राक के पीछे शक्तिशाली है, यहां शक्तिशाली, युद्ध में हार नहीं मारते, युद्ध कौन सा, रण में लड़े नहीं, प्रेम के युद्ध में शारीरिक क्षमता दबा के होती है। पॉइंट सुधे समझिएगा, बात किसकी हो रही है, शारीरिक संबंधों की हो रही है। तो हार ना मानने का मतलब शारीरिक संबंधों में जीवन साथी के साथ सहज होते हैं, पूर्णतया संतुष्ट होते हैं, ठीक है ना। संतान शास्त्रकार कहते हैं कि अधिक होती है। अब संतान अधिक होगी या नहीं, यह आपका पंचमेश बताएगा। कुंडली में 12 पार्ट बनते हैं, 12 पार्टों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो विभाग से आपको मिलने वाला है, वो विभाग ही निकम्मा हो जाए तो नहीं मिलेगा। जल क्रीड़ा अच्छा लगती है, क्या? जल क्रीड़ा अच्छा लगती है, मस्ती करना अच्छा लगता है, खा पी के सोना अच्छा लगता है, ठीक है ना। ऐसे लोगों को खाओ पियो मौज करो, जल में घुस गए तो निकलने का मन ही नहीं है। ऐसी स्त्रियों को नहाने में समय बहुत लगता है, पुरुष भी स्त्री उचित नहाते हैं, 10 बाल्टी, 2 बाल्टी जगह 10 बाल्टी घुस गए बाथरूम की टंकी खाली करके आएंगे। ऐसा जब आपका जल तत्व को खींचने वाले गुण होंगे तब होगा। तो शारीरिक क्षमता बहुत गजब की है। अब नॉर्मल व्यक्ति को आप अपने साथ मैच करोगे, घिसट जाएगा, पिस जाएगा, उसको प्रेम से और वासना से, आप शारीरिक संबंधों से घृणा हो जाएगी। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि अब आपकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी वाला मैच करने वाला चाहिए। भाई बुलेट को स्कूटी के साथ खींचोगे तो स्कूटी खिंच जाएगी ना, नहीं चल पाएगी, कुछ देर तक चलेगी। स्कूटी 100cc की, 350cc की गाड़ी के साथ कहाँ खींचेगी। उसी तरह मतलब नॉर्मल ढंग से शास्त्रकार स्कूटी और बुलेट नहीं बताए हैं, मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो स्वाति और हस्त नक्षत्र में यह योनि आती है। तीन तरह के पुरुष, तीन तरह की स्त्रियां होते हैं समाज में, खरगोश, बैल, घोड़ा, हिरणी, हथनी, घोड़ी, तीन तरह की स्त्रियां कैटेगरी बांटी गई है। वैसे तो 84 लाख योनियां हैं और 14 योनियां हमें प्रदान की गई हैं। तो शारीरिक सुख के लिए हम देखें, गुण कर्म धर्म स्वभाव के लिए देखें, दाम्पत्य प्रेम के लिए देखें, साझेदारी कैसे रहेगी उसके लिए देखें, तलाक को रोकने के लिए देखें, अवैध संबंध ना जन्म लेने पाए इसलिए देखिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद जानते हैं शास्त्रकार कहते हैं कि दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्ग से प्रयोजनम, स्वर्ग के जाने की जरूरत नहीं है, यही स्वर्ग है, और दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्, नरक और कहीं है ही नहीं, घर में ही है भाई, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है,
घर में ही मिल जाएगा। तो समरथ, नीच रथ, उच्च रथ, तीन कैटेगरी बनेगी, समरथ, नीच रथ, उच्च रथ। ये जो हमारे मूलाधार चक्र है ना, यहीं से स्टार्ट होता है। तो एनर्जी को ऊपर ले जा सकते हैं, एनर्जी को नीचे ले जा सकते हैं, या एनर्जी को जहां पे है वहीं पे व्यवस्थित रखेंगे, उस चीज को दर्शाने वाली प्रक्रिया है। यह नॉर्मल बात नहीं है, पता नहीं क्यों लोग इस बात पे बात करना डरते हैं, उनको यह शब्द अश्लील लगता है। तो किसके साथ मैच करेंगे? तो अगर आप, हम वर पक्ष को प्रधानता देते हैं, मतलब आप कन्या है तो अपने साथ मैच देख लीजिए, वर के साथ देख लीजिए। तो अगर आप महिष योनि के हैं या योनि की हैं, तो अश्व के साथ, अगर आपका महिष के महिष के साथ परिवार मिलेगा 100% अच्छा होगा। चार तरह से मिलापा होगा, पांच तरह से, अति उत्तम, उत्तम, सामान्य, बुरा और बहुत बुरा। बुरा और बहुत बुरा में तलाक होने की कंडीशन बनती है, अवैध संबंध बनते हैं, मारपीट होती है, औसत में उदासीन हो जाते हैं, स्थिति नहीं पड़ जाती है, उत्तम में बढ़िया चलता है, अति उत्तम में एक दूसरे के लिए बने ही होते हैं, बने ही होते हैं। तो अगर महिष का महिष के साथ है तो अति उत्तम है, ठीक है ना, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, इनका झगड़ा नहीं होगा, प्रेम बना रहेगा, सौहार्द रहेगा, आपसी समझ रहेगी, समृद्धि रहेगी, धन संपदा संतान, बोलते हैं ना दूध पूत से मन नहीं भरता, खूब दूध होगा, खूब पूत होगा, इस तरह की स्थिति बनेगी। का अश्व से हो जाए तो बहुत है बुरा है, बहुत बुरा मतलब फिर तलाक हो जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ मिल जाता है, कितने पॉइंट, 0 पॉइंट। फिर यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि लड़का हो सकता है आईएएस अधिकारी हो, नहीं, उसके आईएएस अधिकारी से नहीं चलता। एक पॉइंट समझना दोस्त, किसी की शादी हो रही हो, लड़का आईएएस हो या लड़की आईएएस हो, लड़का आईएएस हो, उसके घर वालों को जाके बताओ किसके सेवेंथ हाउस में शनि बुध है, स्वग्रह ही बैठे हुए, इम्पोटेंसी का शिकार हो जाएगा इतने उम्र के पश्चात, या हो चुका है, शादी होगी क्या? लात मार के अलग कर देंगे, शीश मध्य चरण पादुका, लात ऊंचा दना दनम, उस पर भी बात नहीं बनी तो चप्पलम मुख भंजनम, ठीक है ना, नहीं हो पाएगा। क्यों? वैवाहिक जीवन का आधार स्तंभ ही शारीरिक संतुष्टि है। गज के साथ उत्तम है, दोनों एक ही श्रेणी के हैं, 75% मतलब सहमति रहेगी, दोनों एक दूसरे को संतुष्ट रखेंगे, धन संपदा मान सम्मान परिवार की वृद्धि सब कुछ रहेगा। मेष के साथ भी उत्तम है, आपसी विश्वास बना रहेगा, सफलता रहेगी, धन प्राप्ति, सौहार्द, परिवार बढ़ेगा, परिवार की जिम्मेदारी दोनों साथ साथ लेके चलेंगे। सर्प के साथ बुरा है, मतलब बाद में तलाक ही होना है, या एक पार्ट पिसी जाएगा, अलग हो जाएंगे, एक पता लगा सऊदीया में, एक इंडिया में, ऐसे रहना शुरू हो जाएगा। स्वान के साथ औसत है, झगड़े होंगे, कुतर्क होंगे, संदेह ज्यादा होगा, नीचा दिखाने की प्रवृत्ति होगी, जो जिसको मौका मिलेगा वो खींचतान करेगा। मार्जार के साथ अवसर है, प्यार और तकरार दोनों होंगे, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ऐसे होगा, आपसी सामंजस्य में कमी होगी, अपने रिश्तेदारों के सामने एक दूसरे को नीचा दिखा देंगे। गौ के साथ उत्तम है, 75% मैच है, मतलब आपसी समझ होगी और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आर्थिक समृद्धि भी अच्छी रहेगी, संतुष्टि भी रहेगी। व्याघ्र नहीं जी, व्याघ्र के साथ बुरा है, व्याघ्र तोड़ देगा भाई, वो मनमानी करता है, तो ऐसे लोग प्रेम में पीट पाट देते हैं, बोलते हैं आप तो प्रेम छे, ये तो प्रेम छो, मारपीट के सही करेंगे, बोलेंगे प्रेम है, जिसको प्रेम करता है उसी को मारता है, उसी को कहता है, ऐसे होगा। तो संदेह यहाँ पे, घरेलू हिंसा, मुकदमेबाजी, अंत में तलाक। मृग के साथ औसत है, यहाँ पे संदेह बहुत होता है, मृग नहीं झेल पाता, संदेह बहुत होता है, और इनका बाद में स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाता है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है, असंतुष्टि या अरुचि कह लीजिए, ठीक है ना, प्रेम से भागना शुरू कर देते हैं। बानर के साथ नहीं, औसत है, लड़ाई झगड़े खूब होंगे, कुतर्क बहुत होता है, संदेह बहुत ज़्यादा रहता है। नकुल के साथ औसत है, तो औसत का तात्पर्य यह है कि किसी तरह खींचतान करके आप चलेंगे। सिंह के साथ बहुत ही बुरा है, मतलब अलगाव हो जाएगा, झगड़ा होगा, तलाक की कंडीशन बनेगी, कोर्ट में वकील के सामने खड़ा होना पड़ेगा। पंडित जी आपकी शादी करा देते हैं, लेकिन कोर्ट में पता नहीं लोग क्यों जाते हैं, पंडित जी को मिलकर अलग कर लेना चाहिए ना, जब आप शादी के लिए कोर्ट नहीं जाते हो तो अलग होने के लिए कोर्ट क्यों जाते हो, आपसी सामंजस्य कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं इसको रगड़ दूंगा या रगड़ दूंगी, मैं तो बर्बाद कर दूंगा, कर दूंगी, ये कंडीशन आती है। तो यह वैवाहिक जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ एक पॉइंट है जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए।